दोस्तों भारत में फुटबॉल इतना लोकप्रिय खेल नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे भारत में पॉपुलर करने में अपनी जी जान से लगे हुए हैं। इन लोगों में पहला नाम है इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री का और दूसरा नाम है इंडिया टीम के कोच इगोर स्टैमिक। वही स्टैमिक जिन्हें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में रेड कार्ड मिला था और इसका रीजन था पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी को चीटिंग करता हुआ देख उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उसके हाथ से बॉल छीन ली और इसी मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। इंडिया की तरफ से किए गए 4 गोल्स में से 3 गोल सुनील छेत्री ने किए थे। सुनील छेत्री के बारे में सबसे चौंका देने वाली बात जो बहुत से भारतीयों को पता तक नहीं है वो ये है कि वो अभी खेल रहे दुनिया भर के एक्टिव प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में 3rd नंबर पे हैं। उनसे आगे सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं, रोनाल्डो और मेसी। दोस्तों सोचने वाली बात है कि इंडिया के पास एक ऐसा प्लेयर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है, लेकिन फिर भी इंडिया फीफा वर्ल्ड कप के लिए एलिजिबल नहीं है। और यही सुनील छेत्री का सपना है कि एक दिन भारत भी फीफा वर्ल्ड कप में खेले। छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 को आंध्र प्रदेश में हुआ। उनके मम्मी पापा नेपाल से बिलोंग करते हैं। उनके फादर KB छेत्री इंडियन आर्मी में थे और उनके फादर के बार बार ट्रांसफर होने के कारण छेत्री का बचपन भारत के अलग अलग शहरों में गुजरा। उनके स्कूल बार बार चेंज होते रहे, लेकिन जो चेंज नहीं हुआ वो था उनका फुटबॉल को लेकर जुनून। सुनील छेत्री की मम्मी सुशीला छेत्री खुद एक फुटबॉल प्लेयर रही हुई है जिन्होंने नेपाल की फुटबॉल टीम के लिए कई मैचेस खेले और इन्हीं सब कारणों से छेत्री का फुटबॉल में इंटरेस्ट बचपन में ही जाग गया था। फिर उन्होंने गैंगटॉक और सिक्किम के अपने स्कूल में फुटबॉल खेलना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो वो सिर्फ शौक के लिए खेलते थे और उनका बस एक ही मोटिव था कि फुटबॉल से स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू उन्हें कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स और फुटबॉल ही एक चीज थी जो उन्हें अच्छी तरह से आती थी। लेकिन धीरे धीरे वो सीरियस हुए और उन्हें लगने लगा कि वो अपने शौक फुटबॉल को ही अपना करियर बना सकते हैं। इसलिए वो 16 साल की उम्र में देश की सबसे नामी टाटा फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए दिल्ली आ गए और वहां प्रैक्टिस करने लगे और जल्द ही उन्हें वो मौका मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था। जब वो 12th क्लास में थे तब उन्हें मलेशिया में होने वाली एशियन स्कूल चैंपियनशिप 2001 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और इसी स्कूल लेवल चैंपियनशिप में छेत्री का खेल देखकर इंडिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब मोहन बागान की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने छेत्री को साइन कर लिया। उसके बाद से सुनील छेत्री ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर साल 2005 में उन्होंने इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में अपना पहला डेब्यू मैच खेला। ये एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच था जो खेला भी पाकिस्तान में ही गया था। सुनील छेत्री को देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो अभी 39 साल के हैं। 39 ईयर्स की अपनी पूरी लाइफ फुटबॉल को डेडिकेट कर चुके सुनील छेत्री ने साल 2017 में अपने मेंटर और इंडियन फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी सुब्रता भट्टाचार्य की बेटी सोनम भट्टाचार्य से शादी कर ली। छेत्री को कई फॉरेन क्लब्स की तरफ से भी ऑफर मिले, जैसे कोवेंट्री सिटी इंग्लैंड ने उन्हें साल 2007 में अप्रोच किया और लंदन बेस्ड क्लब क्वींस पार्क रेंजर्स ने भी उन्हें ऑलमोस्ट साइन कर ही लिया था, लेकिन यूके वर्क परमिट नहीं मिलने के कारण उनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिक्कत आ गई और वो नहीं खेल पाए। और फिर फाइनली साल 2010 में सुनील छेत्री मोहम्मद सलीम और बाईचुंग भूटिया के बाद किसी इंटरनेशनल क्लब में खेलने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। इनके रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स की बात करें तो ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स को भी पीछे छोड़ते हैं। इन्हें साल 2011 में अर्जुन अवार्ड, साल 2019 में पद्मश्री और साल 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वो इंडिया के पहले ऐसे फुटबॉलर हैं जिन्होंने 3 कॉन्टिनेंट में गेम खेले हैं। वो इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज्यादा गोल करने वाले भारतीय हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा हैट्रिक का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। दोस्तों इंडिया में फुटबॉल को लोकप्रिय करने के लिए हमें सुनील छेत्री जैसे प्लेयर्स और मेंटर्स की जरूरत है जो सिर्फ अपना फायदा न सोचकर कंट्री की ओवरऑल स्पोर्ट्स ग्रोथ में अपना योगदान दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सुनील छेत्री अपने इस काम में किस हद तक खरे उतरे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।